आज हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जिसे लोग मिनी नारगढ़ के नाम से जानेंगे हमारे व्लॉग देखने के बाद। गाइस, सबसे मेन बात आपको ये बताना चाहता हूँ, वीडियो को स्किप करके मत देखना, आधे वीडियो में मत छोड़ना, क्योंकि इस किले के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो फॉरेस्ट आर्मी ने अपने ठप्पे से लॉक से बंद कर रखा है। और उसके बाद जो दूसरा सीक्रेट रास्ता, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन जो हमने ढूंढ के निकाला है, वो वीडियो के आपको एंड में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, चलिए चलते हैं मिनी नारगढ़, जिसे लोग कहते हैं आमागढ़। चलिए लग रहा है भैया जब कहा करके यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, प्यारा मौसम हो रखा है, ऊपर से देख सकते हो आप बहुत ही कूल जगह है। और जैसे जैसे मैं आपको रास्ता दिखाने वाला हूँ ना, आपको मजा आने वाला है, आप यहाँ पे जरूर जरूर आना। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट वाला। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे आई होप सो, और अच्छे होने भी चाहिए। तो आज हम ऐसी जगह आए हैं जिसे बताने में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए मेरे पीछे आपको मंदिर दिख रहा है, ये 900 साल पुराना अम्बे माता का मंदिर है। तो कुछ लोग बताते हैं ये बहुत शक्तिशाली मंदिर है, पुराने टाइम पे जब यहाँ लोग पूजा पूजा करने आते थे तो वो अपनी इच्छाएँ मांगते थे, वो बोलते थे कि ये पूरी होती है। तब से लेकर ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है मंदिर। और ये गलता जी के पास जो सूर्य मंदिर है उसके बगल से यहाँ तक का रास्ता आता है, आप ऊपर तक गाड़ियाँ लेके आ सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे लोग अभी लोकल लोगों ने बताया है कि यहाँ पे वो गोट वोट भी करते हैं, सवामणी होती है, बहुत अच्छा मंदिर है। अभी फिलहाल कोविड के चक्कर में ये बंद है, आप दर्शन नहीं कर पाएंगे अगर आएंगे तो, लेकिन जो हाइक करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं हमारे जैसे, वो यहाँ ज़रूर आएँ, देखें ये मंदिर जब भी, जैसे भी कोविड के बाद में। बहुत प्यारा मंदिर है, 900 साल अम्बे माता का मंदिर है। तो आइए हमें इसके आबाद में आमागढ़ चलते हैं जो जस्ट इसके पीछे ही है, और वो फोर्ट अम्बे माता के नाम पे पड़ा है इसलिए उसको आमागढ़ बोलते हैं। आइए वहाँ चलते हैं, एक बार मैं आपको मंदिर का व्यू दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं मंदिर के सामने का व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, वो आपको सारा नज़ारा दिख रहा है। फिलहाल नारगढ़ अभी फॉग से छुपा हुआ है, और गड़गड़ेश वो रहा, वो भी फॉग से छुपा हुआ है, काफी ज्यादा फॉग है यहाँ पर। गाइस, ये अम्बे माता के मंदिर के पास में कुआं है बहुत पुराना, और ये 900 साल पुराना है। दिखाता हूँ आपको कुएं की हालत, अभी ज्यादा गहरा नहीं है ये कुआं, बट उस टाइम पे इस मंदिर के हिसाब से काफी सफिशिएंट दिख रहा है। जैसे देख पा रहे हैं आप, रस्सी खींचने का, पानी खींचने का, बस ये इतना ही है, ज्यादा बड़े नहीं। नीरज जी, रास्ता कहाँ पे जाता है भाई? जन्नत। क्या बात कर रहा है?
ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक ट्रेल है। सो अभी इस पर चलना बहुत थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, लेकिन मज़ा आ चुका है। वैसे तो बहुत ज़्यादा प्लेस देख लिया हमने, आधे से ज़्यादा हमारा डेस्टिनेशन कवर कर चुके हम। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा आनंद वाला सीन। और आज मौसम भी बहुत अच्छा, हवाएं चल रही ठंडी ठंडी। सो ये वाला ट्रेल था, पास कर चुके हैं, सभी दूसरी साइड जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे लोग गोट भी करने आते हैं, नीचे वहाँ पे कुछ लोग सामान लेके आए हैं, कुछ खाना बनाने का या फिर गोट कर रहे हैं। सो आइए, बहुत मज़ेदार प्लेस है, मज़ा आने वाला है। अभी अभी पकड़ के शुभम हाथ दे, यार अभी शुभम शुभम ऊपर चढ़ ऊपर चढ़, स्पेस दे पूरा। गाइस देखो, किले के अंदर जाने के लिए मतलब इतना रिस्क लेना तो पड़ेगा, आप लोगों को दिखाना है, इसीलिए ये देखिए, ये इस पूरी दीवार को चढ़ के गया है नीचे से, और बिल्कुल ये स्ट्रेट दीवार है एक। अभी कैसा लग रहा है, मस्त व्यू है, कैसी जगह है, बहुत ही प्यारी, मैं आ सकता हूँ, बिल्कुल आइए, कम प्लीज कम। ये मंदिर है गाइस, बहुत पुराने लोग यहाँ शायद रहते करते हैं, पता नहीं। और जैसा कि हमने आपको बताया था, वैसे ना हम दीवार कूद गए हैं, इसलिए यहाँ पे शोर नहीं कर रहे ज़्यादा। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुंड भी है एक, ये कुंड है, इसमें पानी नहीं है फिलहाल अभी। थोड़ा सा ही पानी है इस कुंड के अंदर, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। नजारा देख पा रहे हो आप,
तो गाइस कैसा लगा आपको ये ब्लॉग जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ये मिनी नारगढ़ यानी कि आमागढ़, अब इसको आमागढ़ क्यों बोला क्या है वो बताएंगे भाई जी। यहाँ पर एक अम्बे माता का मंदिर है जो 900 साल पुराना है, उसी के बेस पे इसका नाम पड़ा है आमागढ़। वैसे इस किले के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, एक कुंड है जो जानवरों के पानी पीने के लिए है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस किले के अंदर, पर बहुत प्यारी मतलब प्राइम लोकेशन है। नीरज जी ये ऐसी जगह है जहाँ पे सनराइज आपको नारगढ़ से पहले दिखेगा, मतलब बेस्ट व्यू है। और वीडियो में आपको आपने देखा ही होगा सनराइज कैसा था, बहुत ही अच्छा। और जिसको भी आना है जरूर आना, लेकिन बच्चों को लेके मत आना इस रास्ते से, बहुत हार्ड है रिस्की। हाँ। रास्ता आपने देखा वीडियो में कैसे चढ़ना, तो बच्चों को लेके यहाँ तक आओ कि अंदर मत जाओ। अब मैं यही कहूँगा मुझे यहाँ के आके बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी आइए और फुल मजा कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना कैसी लगी आपको ये वीडियो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।